नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्रोग्राम भाग्य मंथन में। मित्रों, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग ज्योतिष में अपनी आस्था रखते हैं लेकिन उनके पास उनका जन्म विवरण नहीं होता। इसी समस्या के हल के रूप में आज हम नाम राशि के प्रथम अक्षरों को आधार बनाकर राशि स्वभाव और सफलता प्राप्ति हेतु उपाय बताएंगे। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। जिन लोगों का प्रचलित नाम गु गे गो सा सी सु से सो दा से शुरू होता है उनकी जन्म राशि कुंभ मानी जाती है। अब हम जानेंगे कुंभ राशि के ज्योतिषीय परिचय एवं गुणधर्म के बारे में। इस राशि का स्थान काल पुरुष के दोनों पिंडलियों पर माना जाता है। भचक्र में 300 डिग्री से 330 डिग्री तक इस राशि का विस्तार क्षेत्र होता है। इस राशि की आकृति कंधे पर घड़ा लिए पुरुष की होती है। यह राशि पुरुष जाति से संबंधित मानी जाती है। इसका वर्ण विचित्र होता है। इस राशि की प्रकृति त्रिदोष कारक होती है। यह दीपावली राशि है, वायु तत्व से संबंधित होती है और पश्चिम दिशा इसके अधिकार क्षेत्र में आती है। इस राशि का स्वामित्व शनिदेव के पास होता है। आइए अब जानें कुंभ राशि के स्वभाव के बारे में। भचक्र में यह राशि 11वें स्थान पर आती है। मंद गति से चलने वाले शनिदेव इस राशि को गंभीरता प्रदान करते हैं। यह किसी भी निर्णय को जल्दी नहीं लेते, गंभीरता से सोच विचार करके ही आगे बढ़ना इनकी पहचान होती है। कुंभ राशि वाले लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, देखने में सरल व शांत दिखते हैं, परंतु जब ये लोग मुंह खोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है। समाज में कैसे रहना है, किसके साथ कितनी बात करनी है, किसको कितना समय देना है, यह भली भांति जानते हैं। यह लोग सामाजिक होने के साथ साथ व्यवहार कुशल भी होते हैं। इनका जीवन जीने का अपना तरीका होता है। अपने जीवन पर किसी की पाबंदी बर्दाश्त नहीं करते, जीवन को मुक्त रूप से जीने के पक्ष में रहते। यह लोग नए विचारों को जल्दी ग्रहण करते। हरियाली, झरने, पहाड़ इनको बहुत अच्छे लगते हैं। यह प्रकृति प्रेमी होते हैं। मित्रता करना और निभाना इनको बखूबी आता है। जिस प्रकार जल किसी भी पात्र में सरलता से अपनी जगह बना लेता है, वैसे ही ये लोग भी बहुत जल्दी हर जगह घुल मिल जाते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, संगीत में इनकी विशेष रुचि होती है। इन सभी क्षेत्रों में यह कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाकर रखते हैं। इनका चेहरा हंसमुख होता है। मुस्कुराहट ऐसी होती है जो किसी को भी अपना मित्र बना ले। मित्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण से कई बार गलत संगतों में भी इस राशि के लोग चले जाते हैं। इस राशि में उत्पन्न लोग हंसी मजाक करने वाले और स्नेही और प्रेम से भरे हुए होते हैं। अपने हिस्से ज्यादा दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं। शरीर से दुबले पतले होते हैं लेकिन खान पान के बहुत शौकीन होते हैं। नए नए व्यंजनों की तरफ सदैव आकर्षित रहते हैं। यह एक ऐसी राशि है जिसके चारों तरफ सदैव खुशहाली रहती है। यह सबके लिए भाग्यशाली रहती है। बढ़ती उम्र के साथ साथ ये लोग समाज के अंदर की बुराइयों को हटाने के लिए प्रयास में लगे रहते हैं। धर्म के शुद्ध रूप का प्रचार करते हैं और लोगों को पाखंड से दूर करते हैं। यह राशि स्वयं में संतुष्ट रहने वाले लोगों की होती है। ना ज्यादा इच्छाएं रखते हैं और ना उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भागते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। कुंभ राशि बहुत तेजी से मित्र बनाती है और बहुत तेजी से भूलती भी है। अपने इस दुर्गुण को दूर करना चाहिए। नशीली चीजों के प्रयोग और गलत संगत से कुंभ राशि वालों को बचकर रहना चाहिए। आइए अब यह जानें कि कुंभ राशि के लिए सबसे उपयुक्त कार्य क्षेत्र कौन सा होता है। इनके लिए विज्ञान, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, ज्योतिष, रेडियोलॉजी, इंजीनियरिंग, राजनीति, सामाजिक कार्य कैरियर के रूप में उचित है। वैसे इस राशि के लोग हर क्षेत्र में सफलता पाते हैं, बस शर्त यह है कि इनके ऊपर दबाव ना बनाया जाए। कुंभ राशि की सफलता के लिए यहाँ कुछ खास उपाय बताए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से सुने। कुंभ राशि वालों को चाहिए कि घर की पश्चिम उत्तर दिशा को हमेशा स्वच्छ रखें। इस स्थान पर उपयोगी कागजात को ही स्थान दें। उत्तर दिशा में छोटी पत्तियों वाला मनी प्लांट जरूर रखें। हनुमान जी को इष्ट मानकर उनका पूजन नियम से करें और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर के दर्शन जरूर करें और साथ में हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। नशे की समस्या और गलत संगतों में पड़ने से खुद को रोकने के लिए काली उड़द और प्याज का दान बुधवार के दिन शनि मंदिर में करना चाहिए। शनिवार के दिन ब्राह्मणों को तेल में तले हुए व्यंजनों का भोग लगवाएं। आपके लिए सबसे शुभ रत्न नीलम और लाजवर्त है। इसे चांदी में जड़वाकर किसी भी शुक्ल पक्ष या शनिवार के दिन मंत्र शुद्धि के बाद धारण करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सात मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने काले रंग के धागे में पिरोकर शुक्ल पक्ष या सोमवार के दिन गले में धारण करें। उत्तर और पश्चिम दिशा में किए गए तीर्थ आपके लिए विशेष फलप्रद होंगे।
शनिवार के दिन बूढ़े लोगों की जितनी सेवा करेंगे आपका जीवन उतनी तेजी से सफलता की नई सीढ़ियों की तरफ बढ़ेगा। कुंभ राशि का बीज मंत्र ओम ह्रीम ऐम क्लीम श्रीम, इस मंत्र के जाप से आपकी जन्म राशि को बल मिलेगा। मित्रों, अगर आप किसी समस्या से पीड़ित हैं और चाहते हैं आपकी समस्या का सटीक समाधान, तो आप हमसे जन्म कुंडली बनवाकर बहुत ही कम मूल्य में समाधान जान सकते हैं, या फिर व्यक्तिगत रूप से अपॉइंटमेंट लेना हो तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिया गया है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी समस्या के सटीक समाधान के साथ। आपका आज का दिन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।